प्रॉब्लम है, इधर सेलेक्ट किया हुआ है कर सकते हैं, तो एंटर दबाएंगे तो भी गायब हो जाएगा। हां वो भी गायब हो जाएगा, तो एंटर भी दब सकता है। हां वो कुछ भी कर सकता है बच्चे, ये प्रॉब्लम है गेम के साथ। कभी पेज को ना इतना बड़ा कर देंगे वो कहेंगे मैंने फॉन्ट साइज नहीं बढ़ाया, पर पेज के साइज को बड़ा कर देंगे। अब वो इतना बड़ा दिखेगा, ये आई इतना बड़ा दिखता है स्क्रीन पे, कहेंगे ये क्या हो गया, आपको भी इतना बड़ा साइज कहां से कर ले। साइज पे देख रहे हैं तो यहां पे 12 या 15 ही है। क्या किया होगा उन्होंने, पेज के साइज से पेज के साइज को जूम कर दिया होगा, जूम बढ़ा दिया होगा। कहां से, यहां से। अगर मान लीजिए कई बार ये ना दिखे आपको, फिर कहां से ठीक करेंगे, वो आगे सीखेंगे इसको कहां से ठीक करेंगे। व्यू में भी जाएगी सर, हां क्लियर है, सेलेक्ट करना आ गया। तो सेलेक्ट करने का कुल कितने विधि हो गए, सेलेक्ट करने का कुल कितने विधि बता दिया गया, तीन कितने हो गए, तीन। कौन कौन से, शॉर्टकट कमांड के द्वारा कंट्रोल ए, दूसरा एरो की शिफ्ट के साथ में, तीसरा माउस या टचपैड के द्वारा। तो ये आप तीन तरीके से टेक्स्ट पैराग्राफ को सेलेक्ट कर सकते हैं लाइन को, क्लियर है। अच्छा कंट्रोल ए करूंगा तो क्या होगा, कंट्रोल ए करूंगा तो क्या होगा, पूरा पेज ही सेलेक्ट हो जाएगा। तो कब कंट्रोल ए का यूज करूंगा मैं सर, कंट्रोल ए का उपयोग कब करूंगा मैं, अगर मान लीजिए मुझे किसी एक लाइन को सेलेक्ट करना है तो, ठीक है क्लियर है सबको, ठीक है। अब आप चाहें तो पूरे लाइन को फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, मैं आपको फॉर्मेटिंग करना नहीं सिखाऊंगा, छोड़ देता हूँ सर फॉर्मेटिंग करना, फॉर्मेटिंग पहले बता रहा हूँ। हाँ जो पेंट में है आप लोग खुद से करके दिखाओगे। अब ये कैसे करोगे ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप एक एक लाइन को करना चाहते हो या पूरे लाइन को। अच्छा एक चीज और, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं हम इस लाइन को किसके द्वारा, शॉर्टकट के द्वारा, आपको बता दिया गया है क्या करना होगा। अगर मान लीजिए पूरे पैराग्राफ को कॉपी पेस्ट करना है, पूरे को सेलेक्ट कर लूंगा कंट्रोल ए, मान लीजिए मुझे एक लाइन को लेना है कॉपी, उसके बाद वी पेस्ट नहीं कंट्रोल प्लस वी, आप एक छोड़ रहे हो उससे गलत हो जाएगा, पूरा आंसर कीजिए कंट्रोल प्लस वी, कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस सी, पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस वी। अब दूसरा चीज, अगर मान लीजिए पेस्ट कर रहे हैं, जब आप कॉपी करेंगे ना, एक बार सेलेक्ट करो इसे, सेलेक्ट कर लिया हमने, कॉपी करूंगा, कॉपी के लिए क्या कमांड होता है, क्या कमांड होता है, कंट्रोल प्लस सी, प्रेस करना है जाना कंट्रोल प्लस सी, हो गया। अब पेस्ट करूंगा, पेस्ट के लिए क्या होता है, प्रेस करना जाने पर कंट्रोल प्लस वी, नहीं हुआ, क्या रीजन हो सकता है सर, एक्सप्लेन नहीं करेंगे ना, ये एक्सप्लेन करेंगे ना बाकी लोग, एक्सप्लेन करें क्या रीजन हो सकता है, क्यों हुआ ऐसे, और कोई क्या रीजन हो सकता है, सेलेक्ट किया हमने, कॉपी प्रेस किया, पेस्ट किया, नहीं आया, पेंट में क्या हो रहा था, कॉपी करने के बाद जैसे कंट्रोल बी दबाते थे वो चित्र आ जाता था ऊपर, यहां पे क्या हुआ, कंट्रोल सी प्रेस किया कॉपी हुआ, कंट्रोल बी दबाया लाइन आना चाहिए ना, नहीं आया, क्यों, क्या गैप था उसके बीच में, किस चीज की वजह से हो सकता है ये चीज, सर
समझ में। एक्चुअली क्या है कि जब तक आप कर्सर को वहां से दोबारा शिफ्ट नहीं करेंगे आप पेस्ट कहां करेंगे, पेस्ट उसी पेस्ट हो रहा है बार-बार। जब तक आप कर्सर को हटाएंगे नहीं या क्लिक नहीं करेंगे या जो आपका सेलेक्ट था ब्लू कलर का हाईलाइट हो रहा था वो हटेगा नहीं तब तक आप उसे पेस्ट नहीं करेंगे। एक बार इसे दोबारा सेलेक्ट करना, दोबारा सेलेक्ट करो, कंट्रोल डी करो, ठीक है, कॉपी करो इसे, कंट्रोल सी। अब एक बार पॉइंट इसको साइड में क्लिक करो यहाँ पे, अब एक बार कंट्रोल बी दबाओ, आ गया। क्या रीजन था, कॉपी हुआ था, सेलेक्ट था, सेलेक्ट को हटाना होगा। अब इसको हटाओ, इसको इस लाइन को। अब मैं चाहता हूं कि मैंने इसको कॉपी कर लिया पर ये कर्सर यहां पर ब्लिंक कर रहा है, यहां पे मुझे पेस्ट नहीं करना है, अगले लाइन में पेस्ट करना है। क्या करूंगा, अभी जब मैं पेस्ट करूंगा ये कहां पे आएगा, कॉपी कर लिया, मैं इसको पेस्ट करूंगा तो कहां पे आएगा, कैसे पता चला कि आगे एक लाइन पे आएगा, क्योंकि कर्सर वहां पे ब्लिंक कर रहा है। अब मैं कह रहा हूं कि मुझे यहां पे नहीं चाहिए, यहां चाहिए, या मेरे को पेज के कहीं और हिस्से में चाहिए नीचे, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, अपने कर्सर को उस जगह पे लाना होगा जहां उसे पेस्ट करना है। अब मैं क्या इसको यहां से कॉपी करने के बाद राइटर या प्रेजेंटेशन या जो भी है आपका स्प्रिट सीट किसी और डॉक्यूमेंट पे ला सकते हैं इसको कॉपी करने के बाद, जैसे यहां पे हमने इसको कॉपी कर लिया, अब हम समझ गए हैं कि जहां भी इसके अंदर चाहिए हमें अपने पॉइंटर को कर्सर को वहां ले जाना है, क्लिक करना है, उसके बाद पेस्ट कर देना, वो वहां आ जाएगा। क्या मैं इस चीज को यहां से कॉपी करने के बाद किसी और डॉक्यूमेंट के अंदर पेस्ट कर सकता हूं, चाहे वो डॉक्यूमेंट एमएस वर्ड हो, पेंट का हो, पेंट में कब पेस्ट होगा, जब आपका वो टेक्स्ट हो, हम ले लेंगे उसके अंदर जाकर पेंट होगा, पेंट तो आपको लिखना पड़ेगा, वो आपको टेक्स्ट टूल लेना पड़ेगा, टेक्स्ट टूल टेक्स्ट टूल में पेंट पेस्ट नहीं होगा। एक बार ओपन करो, देखो यार टेक्स्ट हो गया, देखिए हो जाएगा, देखते हैं एमएस पेंट में प्रैक्टिकल ज्यादा ठीक है, समझ में आता है। टेक्स्ट टूल लो, ड्रैग करो, पेस्ट करो, आ गया ना। तो क्वेश्चन है जो हमने राइटर के डॉक्यूमेंट में कॉपी किया क्या उसे हम किसी और डॉक्यूमेंट या किसी और जगह पे, जगह मतलब डॉक्यूमेंट की है अंदर पावर पॉइंट वर्ड एक्सेल कोई भी हो उसके अंदर पेस्ट कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं इसको, तो इधर से वापस जा सकते हैं, हाँ यहाँ से इसको उठाइए इसको वहां भी ले जाकर कर सकते हैं। तो हम कॉपी करने के बाद कंप्यूटर के अंदर पेस्ट कर सकते हैं कहीं, अब इसमें एग्जांपल दे सकते हैं आप एमएस वर्ड पावर पॉइंट राइटर जो भी है, कहीं भी का मतलब ये हुआ। अब ये नहीं कि आप मतलब कहीं ऐसी चीज को देख के बता दें कि वहां ना हो। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे आप मेरा कहीं पेस्ट कर सकते हैं या किसी पर्टिकुलर फाइल के अंदर या फोल्डर के अंदर तो आ जाएगा, क्या मैं इसको डेस्कटॉप पे अगर पेस्ट करता हूं तो हो जाएगा, डेस्कटॉप पे कहां पे पेस्ट करना चाहते हैं, इन केस ये मेरा डेस्कटॉप है यहां पे पेस्ट करना चाहता हूं, यहां पे पेस्ट कैसे होगा करके दिखाओ, वही पूछना चाहता हूं, सवाल है, सवाल है, नहीं होगा। अब मैंने यही वाला आंसर बोला कि कहीं ऐसा मत उठा के लाना कि क्या मैं पेस्ट कर सकता हूं, अगर आपने फोल्डर लिया है उस पे क्लिक किया रीनेम किया वो वर्ड वहां आ सकता है, फोल्डर के अंदर आ सकता है क्योंकि हमें वहां टाइप करने के लिए जगह है, हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा है वहां पे, हमें कर्सर को देखना है, आपका कर्सर दिखा ब्लिंक कर रहा है मतलब वो कह रहा है कि हो सकता है सर, मतलब सिंपल लेकिन में जहां हम लिख सकते हैं हाँ वही होगा, हाँ वर्ड है कहीं से भी कहीं भी, हाँ और वहां लिखा मतलब लिख सकते हूँ। एक बार ओपन करो राइट पिक्चर को आप कहीं भी पोस्ट पेस्ट कर सकते हाँ पिक्चर को कहीं पोस्ट
ये आपका कॉपी पेस्ट करने का हो गया। अब आप कॉपी पेस्ट एक जगह और कर सकते हैं, एक तो ये शॉर्टकट कमांड से कर सकते हैं, दूसरा एडिट पे क्लिक करके दिखाओ। एडिट क्या है, एडिट कौन सा ऑप्शन है, एडिट क्या होता है, किसके अंदर आता है, एडिट मेनू बार के अंदर आता है। एडिट पे जब क्लिक करेंगे एक बॉक्स ओपन होगा, अब इस बॉक्स को क्या कहेंगे, सब मेनू बार कहते हैं। अब देखिए इसके अंदर क्या चीज है, अंडू है, रीडू है, इसको छोड़ दीजिए, कंट्रोल शिफ्ट प्लस वाई इसको हटा दीजिए, कट है, कॉपी है, पेस्ट है, और यहाँ पे आ जाइए सेलेक्ट ऑल, जो आपके एडवांस थोड़े होंगे उनको अभी छोड़ दीजिएगा, मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या ऑप्शन है आपके राइटर वन के वीडियो में। राइटर वन के वीडियो में हमने यहाँ तक रखा है एडिट तक, ये बीच में इतना है जो मैंने बताया है, उसके बाद ये फॉर्मेटिंग का है जो मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि आप खुद से करके दिखाएंगे, ठीक है। एडिट में है अंडू, रीडू, कट, कॉपी, पेस्ट, और उसके बाद सेलेक्ट ऑल, जिसका शॉर्टकट कमांड कंट्रोल ए होता है, ठीक है। यहां से भी हम कर सकते हैं कॉपी पेस्ट, कट, अंडू, रीडू, एडिट से भी कर सकते हैं ना, और शॉर्टकट कमांड के द्वारा भी कर सकते हैं। क्लियर है सबको, ठीक है। आप इससे कॉपी पेस्ट कीजिए और उसके ऊपर मुझे फॉर्मेटिंग करके दिखाइए। फॉर्मेटिंग कहां से करेंगे, फॉर्मेटिंग टूल बार के अंदर से। फॉर्मेटिंग टूल बार अभी कहां है, स्टैंडर्ड टूल बार के नीचे है। फॉर्मेटिंग के अंदर क्या क्या आएगा, राइटिंग चेंज करना, राइटिंग के साइज बड़ा छोटा करना, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, अलाइनमेंट, फॉन्ट कलर, बैकग्राउंड, हाइलाइटिंग, ठीक है। करके दिखाइए आपको, कोई भी फॉर्मेटिंग करने से पहले क्या करना होगा, आपको उस लाइन को सेलेक्ट